ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत आज अपना बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में मुकाबला खेल रहा है, जिसमें शुरुआत में ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं विराट कोहली यहां पे गेंदबाजी करते हुए आपको दिखे हैं, तो आइए आपको बताते हैं विराट कोहली को आखिर क्यों इस मैच में बॉलिंग करनी पड़ी है। दरअसल टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पैर में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर जा चुके हैं। वह सिर्फ 3 गेंद ही फेंक सके, उनका ओवर विराट कोहली को ऐसे में पूरा करना पड़ा। शुरुआती तस्वीरों को देखें तो हार्दिक पांड्या की चोट काफी गहरी नजर आ रही है और वो शायद इस मैच में आगे आपको गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई देंगे। बता दें हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के लिए 9वां ओवर डालने आए थे। उन्होंने पहली गेंद डॉट निकाली, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्हें लिटन दास ने एक चौका लगाया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लिटन दास ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेली, जिसके बाद हार्दिक पांड्या उस गेंद को रोकने के प्रयास में अपना एंकल ट्विस्ट करवा बैठे और वहीं मैदान पर गिर गए। जिसके बाद फिजियो मैदान पर आए और उन्होंने टेपिंग की और गर्म पट्टी को उनके पैर में बांधा। इसके बाद हार्दिक पांड्या जरूर खड़े हुए, लेकिन वो गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उनसे गेंदबाजी हुई नहीं और वो पूरी तरह से फिट नजर नहीं आए। ऐसे में उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। हार्दिक पांड्या के बाहर जाने के बाद विराट कोहली ने 3 गेंदें डाली और उस ओवर को पूरा किया। अब अगर हार्दिक पांडे आगे गेंदबाजी करने के लिए नहीं आते तो फिर टीम इंडिया के पास गेंदबाजों के रूप में 5 ही विकल्प बचेंगे। 5वां विकल्प शार्दुल ठाकुर हैं, जो अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। विराट कोहली ने जरूर हार्दिक पांड्या का ओवर पूरा किया, लेकिन वो गेंदबाजी ज्यादा नहीं करते हैं। ऐसे में अब विकेट निकालने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव साथ में रविंद्र जडेजा के ऊपर ही रहेगी। बता दें बांग्लादेश ने काफी अच्छी शुरुआत करी है और 9 ओवर में 47 रन बना लिए हैं बिना विकेट खोए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।